दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, खुश हैं और QTM की तैयारियों में बिल्कुल लगे हुए हैं। देखो, मेरे को पता है, दिल की बात कर लेते हैं, वैसे तो अभी समय नहीं है क्योंकि कल एग्जाम है आपके, लेकिन घबराओ मत, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, आप सभी खुश होंगे और सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपने मेरे जो 15-16 वीडियो है वो देख चुके हो। आपने गेम थ्योरी निपटाया है, आपने सिंप्लेक्स निपटाया है, आपने ट्रांसपोर्टेशन निपटाया है, आपने बहुत सारे अदर क्वेश्चन और देख चुके हैं, आपने जॉब सिक्वेंसिंग। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, कोई बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर आपने ट्रांसपोर्टेशन के बताया तो क्या जॉब सिक्वेंसिंग नहीं पढ़ना है? अरे, जॉब सिक्वेंसिंग भी पढ़ना है। जो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, एटलीस्ट मुझे लगता है वो तो आपको देखना ही है, वो क्वेश्चन एज इट इज आते हैं एग्जाम में, कोई उसमें हेरन फेर नहीं होने की कोशिश मेरी तरफ से रहती है। तो QTM में यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, लेकिन यूनिट फर्स्ट के अंदर कुछ पार्ट रह गया है, यानी इसका पार्ट टू रिमेनिंग है, ठीक है? और वो थ्योरी का है तो ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं, न्यूमेरिकल में तो इतने होते नहीं है, थ्योरी में ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर थ्योरी थ्योरी थ्योरी, आप हमसे जल्दी से इसकी थ्योरी करवा दीजिए तो हमारे को भी दिक्कत ना आए, ठीक है? तो इसके यूनिट टू की फर्स्ट की अपन थ्योरी अभी देख लेते हैं, कोई ज्यादा देर की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बता देता हूं। थ्योरी में आपको पूरे यूनिट फर्स्ट देखनी है, यूनिट फर्स्ट से ही मेजर थ्योरी आती है। एक गेम की थ्योरी, जो गेम थ्योरी का न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था, इसमें एक रेक्टेंगुलर गेम करके एक थ्योरी है, इसकी थ्योरी आपको देखनी है, यानी गेम थ्योरी की भी न्यूमेरिकल भी देखना है और थ्योरी भी देखनी है, ठीक है? यूनिट वन की थ्योरी देखनी है, यूनिट टू क्वेश्चन नंबर टू ये कह रहा है, और कौन सी थ्योरी देखनी है, एक क्यू मॉडल करके आपकी थ्योरी है, ठीक है? एक बार चेक कर लेना, मैं इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ थर्ड यूनिट है फोर्थ यूनिट है, और वो तो आप मुझे बता देना। मैंने ये थ्योरी कवर नहीं कराई है, ये भी बता देता हूँ, मैंने थ्योरी कवर नहीं कराई है, लेकिन थ्योरी के अंदर मेजरली ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? एक तो गेम यूनिट फर्स्ट पूरी की पूरी कंप्लीट, अगर यूनिट फर्स्ट पे जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका निपट ही जाएगा, मतलब एक 100% आएगा। गेम थ्योरी में से एक न्यूमेरिकल बन रहा है और थ्योरी बन रही है, इसके अलावा क्यू मॉडल की भी एक थ्योरी आपके बन रही है, देख लेना। इसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी जो लग रही है वो 70-80% लग रही है, तो मैं श्योर नहीं हूं कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन इसमें से आनी चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं अपने यूनिट वन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर, सॉरी सेकेंड पार्ट के ऊपर। देखो, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर अप करा दी है, केवल मैंने इसमें नहीं कराया था डिसीजन मेकिंग, सॉरी शायद मैंने, हाँ ये वाला डिसीजन अंडर सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो अब क्या होता है जरा सा सुन लो, आपको याद करवा देते हैं, कोई मतलब इसमें परेशान मत हो, मेरी भी थोड़ी बहुत नरम ही चल रही है, पर अपन उसे सुनाऊंगा और आपको ब्रह्म मुहूर्त में याद हो जाएगा। ये क्या है डिसीजन अंडर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी? जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, मान लो कि अपन सबने MBA करने का सोचा, तो कोई HR में सोच रहा है, कोई फाइनेंस में सोच रहा है, कोई मार्केटिंग में सोच रहा है, तो ये डिसीजन कौन सा है? ये सर्टेन डिसीजन है। कौन सा डिसीजन है? सर्टेन डिसीजन है, मींस कि वी नो द आउटकम व्हेन वी नो द प्रोबेबल आउटकम। कौन सा आउटकम? प्रोबेबल आउटकम, प्रोबेबल आउटकम। फिक्स नहीं पता कि कितने का पैकेज लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन एक प्रोबेबल आउटकम रहता है, भैया इसमें इतनी सैलरी लगेगी, इसमें इस फील्ड में जॉब लगेगी, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है ना, काफी दिनों से मेरा ये पेंडिंग चल रहा है, मुझे याद है, ठीक है? थोड़ा सा मैं भी बूस्टअप हो जाऊँ, आप भी बूस्टअप हो जाओ, इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कौन सी फील्ड ज्यादा बेटर है और आपकी कौन सी फील्ड के अंदर क्या जॉब अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में, ये बस ये एग्जाम हो जाने दो, ठीक है? वी नो द प्रोबेबल आउटकम व्हेन द सिचुएशन इज सर्टेन एंड व्हेन द सिचुएशन इज नॉट सर्टेन वी आर नॉट एज्यूम। लाइक कि अभी क्या है, रेन 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 बोलते हैं ना, रेन रेन, तो ये जो रेन रहती है, बोला तो जाता है कि रेन सर्टेन है, लेकिन हम इसको किसमें गिनते हैं? अनसर्टेन में। अनसर्टेन का मतलब कि हमको कुछ पता नहीं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। हाँ, मौसम विभाग ने कहा आज बारिश नहीं होगी, देखा मूसलाधार गिर रही है, वो कह रहा है कि आज होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून चलता है। नो वन प्रिडिक्ट, नो वन एग्जैक्ट प्रिडिक्ट, केवल जो आंट्स होती हैं, जो चीटियां होती हैं, उनके बारे में कहा जाता है, उनको पता पड़ जाता है कि बारिश होने वाली, बाढ़ आने वाली है, वो भी भगवान की दया है, सिक्स सेंस है, आप कितना सच्चाई है वो तो वो ही बता पाएंगी, लेकिन मुद्दे से भटकते नहीं है। मुद्दा ये कह रहा है कि सर्टेन
और अनसर्टेन डिसीजन। सर्टेन डिसीजन इज दोस डिसीजन जिसमें हमें पता है कि कितनी सर्टेनिटी है कि इतना परसेंट आउटकम आएगा ही आएगा, यानी कि 80% प्रोबेबिलिटी है मेरे सक्सेस की, कितने की, ठीक है, 80% प्रोबेबिलिटी है मेरी सक्सेस की, तो दैट इज सर्टेन। और अनसर्टेनिटी कितने भी आ सकता है, तो 0 हो सकता है या 100 हो सकता है, ठीक है, तो ये दैट इज सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। इतनी सी बात समझ में आई, तो ये कहलाता है डिसीजन अंडर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी रिस्क, ठीक है। अब सर्टेनिटी के अंदर क्या होता है देख ही लेते हैं कहां गए, ये अ कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, देखो थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं, ये थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड वे में है इसलिए आपको, क्योंकि थ्योरी ज्यादा लिखी हुई है और अनस्ट्रक्चर्ड वे में है इसलिए थोड़ा सा अपन को फॉन्ट में दिक्कत आ रही है। द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी एग्जिस्ट व्हेन द डिसीजन मेकर नो द रीजनेबल सर्टेनिटी व्हाट इज द अल्टरनेटिव आर, यानी कि जो डिसीजन मेकर है उसको पता है कि कितने परसेंट इसमें सर्टेनिटी है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, अब ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी तो आप समझ गए, अब ये अंडर रिस्क क्या है सर, अंडर रिस्क की तो हमको सर्टेन तो है लेकिन उसमें रिस्क भी है, सर्टेन भी है और रिस्क भी है, मतलब सर्टेन सर्टेन भी है और रिस्क भी है, सर्टेन भी है और रिस्क भी है, यहां दोनों इक्वल टू लगाया मतलब ये मतलब नहीं, दोनों का को एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस मतलब कि वो हो भी सकता है और रिस्क भी है कि नहीं भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी भी और सर्टेनिटी भी। सर ऐसा कैसे होता है कि रिस्क भी हो और सर्टेन भी हो, जैसे शेयर मार्केट हमारा चलता है, सर्टेन भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा वो रिस्क है, यानी कि सर्टेनिटी है बढ़ना लेकिन कितना बढ़ेगा और कब बढ़ेगा ये रिस्क है। गेटिंग माई पॉइंट, घोड़े दौड़ घुड़ दौड़ में एक घोड़ा जीतेगा सर्टेन है लेकिन कितना कौन सा वाला जीतेगा ये रिस्क है, ठीक है। दो क्रिकेट मैच की टीम में एक टीम जीतेगी ये सर्टेन है लेकिन कौन सी जीतेगी ये रिस्क है, तो देयर इज अ को एग्जिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व हिंदी में बोला जाता है। अब मैनेजर लैक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है मैनेजर के पास, द इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट रिस्क अराइजेस, ठीक है, जिसके कारण क्या अराइज हो जाती है, रिस्क अराइज हो जाती है। अंडर ए स्टेट ऑफ रिस्क द डिसीजन हैज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स एज गुड आइडिया प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ ईच अल्टरनेटिव, यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से हमके पास प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता है। और इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, है ना, बोलना मत कि सर टेलीग्राम पे कर दो, मैं कर चुका हूं, है ना, गुस्सा मत हो, है ना। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एक तो अपन ने सर्टेनिटी पढ़ा, एक कौन सा पढ़ा अपन ने रिस्क के अंदर पढ़ा, और एक अनसर्टेनिटी जहां कुछ भी नहीं पता, आंख बंद करके रोड पे चल रहे हो कुछ भी नहीं पता कौन सी गाड़ी किस दिशा से आएगी, कान पे भी ईयरफोन लगा दिए अब नहीं पता, दैट इज अनसर्टेनिटी। यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन मेड टुडे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट फॉर्मुलेटेड अंडर द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, आज सब कुछ अनसर्टेन हो गया है, अगर इसके बारे में आएगा आप डिसीजन कैसे लिए जाते हैं आज के, तो अनसर्टेन एनवायरनमेंट में लिए जाते हैं, भाई कल जाके नोटबंदी कर दें वापस, हमारे यहाँ पर GST इंप्लीमेंट हो जाए, हमारे यहाँ पर क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, पेट्रोल के प्राइस श्रीलंका में आज आसमान छू रहे हैं, केरोसिन 87 रुपीस में हो गया है भाई, कुछ तो रहम करो श्रीलंका वालों। तो आप देखो कि जब कुछ भी चीज प्रिडिक्ट नहीं करी जा सकती तो दैट इज अनसर्टेन। यहां पर हम क्या है, रिस्क तो है ही नहीं, मतलब यहां तो जीरो, हम ब्लाइंड कि कुछ भी हो सकता है जीवन में, क्या है जैसे जीवन है कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि सारे डिसीजन हम कैसे लिए जाते हैं अनसर्टेन। लेकिन उसको ऑन द बेसिस ऑफ QTM, यानी कि अपने जितने भी QTM के न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरीज हैं, फॉर्मूले हैं, अजम्पशंस हैं, उनकी बेसिस पे इस अनसर्टेन एनवायरमेंट को हम सर्टेन एनवायरमेंट में बदलते हैं, और ये सर्टेन एनवायरमेंट अंडर रिस्क में रहता है, यानी रिस्क तो रहती है। वो कहती है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन की ऑप्टिमम कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा ऐसा होने की पूरी प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर है भाई साहब, वो ट्रक वाले के ऊपर है कि उसने वो पिछली बार 16 में वो जॉब कंप्लीट करी थी, अब वो 16 में नहीं 18 में कर रहा है, अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें भी वही जो बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़े थे अपन ने, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल सोशल, वो यहां भी वही वर्क करते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, इतना इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है मॉडर्न अप्रोच ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, तो मॉडर्न अप्रोच कौन सी है अनसर्टेनिटी के अंदर,
पहला है रिस्क एनालिसिस, डिसीजन ट्री और प्रेफरेंस थ्योरी, यहीं तक खत्म है। अब ये प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, प्रेफरेंस थ्योरी का मतलब ऐसा, पहले ऊपर चल लेते हैं रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में अपन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस जो करते हैं वो रिस्क एनालिसिस के अंदर आता है, जिसमें अपन अज्यूम करते हैं कि ये चीज इतना होने वाली है। इसी का अदर रूप डिसीजन थ्योरी के अंदर अपन ने देखते हैं, जहां पे अपन नोट्स बनाते हैं, जहां पे अपन डिसीजन ट्री प्लॉट करते हैं और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं कि 5 डिफरेंट जॉब्स का एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी क्या है। और प्रेफरेंस थ्योरी एक पर्टिकुलर कहती थी कि ऐसी ऐसी चीज होगी, मींस कि ये सर्टेन कंडीशन एक्स होगी, कंडीशन एक्स होगी तो आउटकम वाई आएगा, ठीक है। बट वो कहते हैं कि कंडीशन एक्स होनी चाहिए, वो कहते हैं कि बारिश आएगी तो छातों की बिक्री बिकेगी, वो कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये थ्योरी अपन ने गेम थ्योरी के अंदर भी देखी है, ये थ्योरी अपन ने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी देखी है, यही थ्योरी, और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स ने इसको बताई है। मतलब कि कोई सर्टेन कंडीशन होने पे एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब फाइंड आउट होता है तो वो प्रेफरेंस थ्योरी में आता है। जब हम रिस्क की बात करते हैं तब इसके अंदर हमको कुछ भी नहीं पता होता, इसके अंदर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, और डिसीजन ट्री में हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेते हैं। रिस्क एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी की तो हेल्प ली जाती है, डिसीजन ट्री उसी का ही थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट है। रिस्क एनालिसिस में केवल प्रोबेबिलिटी की हेल्प ली जाती है, केवल एक ही एलिमेंट को चार्ज में करके, यानी कि यहां पर वेरिएबल 1 है। इसमें अगर कोई डिफरेंस पूछ लेना तो यहां पर वेरिएबल 1 है और यहां पर मल्टी वेरिएबल्स होते हैं, यानी मोर देन 1 होते हैं, ठीक है। कितने होंगे, 2, 3, 4, 5। अब ये डिसीजन ट्री का तो हो गया है अपनी थ्योरी, नहीं तो अब ये देख लेना, ये प्रेफरेंस और यूटिलिटी की थ्योरी और बता देते हैं। दिस इज द अनदर अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, द अप्रोच इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स टुवर्ड रिस्क, वेरी सम इंडिविजुअल आर विलिंग टू टेक ऑन दिस स्मॉलर रिस्क वाइल द विलिंग। अच्छा, ये स्मॉलर थ्योरी और यूटिलिटी थ्योरी अपन ने कर ली है, मैं वापस से वापस बता रहा था वही बात जो यहाँ मैंने बोली कि कुछ सर्टेन अजम्पशंस होते हैं। अब यहाँ पर इसने एक अजम्पशन दे दिया, देखो यहाँ पे गैम्बलर्स, ठीक है, वो गेम थ्योरी वाला ही है गैम्बलर्स, मैंने कहा था ना वही है, कि कुछ अजम्पशन है वो फेक है, अगर वो वैसा होगा तो वो वैसा हो जाएगा, यानी कि कॉइन उछाला तो दो ही है भैया, दो ही चीजें आएंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये होती है प्रेफरेंस यूटिलाइज थ्योरी गेम थ्योरी के अंदर, इसके अंदर आ गया, ठीक है, गैम्बलर्स का इसमें देखते हैं अपन, ठीक है। बाकी अपन ने डिसीजन थ्री देख ही रखा, ये थ्योरी ऑलरेडी आपको पढ़ने केवल पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन थ्री का ही क्वेश्चन है ये। डिसीजन थ्री में अपन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल करा रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे डिसीजन ट्री में डिटरमाइनिंग डिसीजन ट्री, प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन ट्री, ये इसकी थ्योरी, आप केवल ये चार्ट एक बार याद कर लेना, बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। इसमें इतना कोई समझने लायक नहीं है, एक है डिटरमाइन और एक है प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिटी का सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज, सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज, बस ये चार पॉइंट है। देखो वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, कल एग्जाम भी है, आपकी चिंता मुझे है, चिंता मत करिए। वीडियो लंबा करके मैं आपको एक्स्ट्रा कोई चीज ऐसी नहीं देना चाहता जो आपको टाइम वेस्ट करे, ठीक है, क्योंकि बहुत समय काम है अपने पास और काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जय हिंद, आपका पेपर अच्छा जाएगा, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। और जाते जाते मुझे जरूर बताइएगा कि QTM का अपना साथ कैसा रहा, और फाइनेंस का तो अपने बताया ही नहीं कि कैसा रहा, तो मेरे को बताइएगा MBA सेकंड सेम आनंद के साथ क्या आनंद में गुजरा आपका, कि फिर बस ऐसे ही चल दिया, तो मुझे जरूर मेरा फीडबैक दीजिएगा। और जल्दी एक स्कीम और एक प्राइज मनी भी ला रहा हूँ मैं इस फीडबैक के लिए, तो जल्द ही कल अपन इसके ऊपर बात करेंगे। तो जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, और कल आपका पेपर निश्चित तौर पे अच्छा जाएगा, मस्त रहिएगा।